सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून भाई। अभी बज रहे हैं 1:30 और ये है नज़ारा मेट्रो स्टेशन का। इस समय इतनी भीड़ भाड़ है यहाँ पर क्योंकि दिन का टाइम है, दोपहर का टाइम, और आज है संडे। संडे के दिन हम आपको व्यू दिखाने के लिए अब जा रहे हैं यहाँ से अक्षरधाम। तो चलो चलते हैं अक्षरधाम। ये देखिए गाइस, ये आपको रैपिड रेल बन गई है हमारी साइड में, राइट साइड में रैपिड रेल बन गई है जो काफ़ी दूर तक जा रही है। मेरठ से भी आगे है रैपिड रेल है, और सफ़र बहुत आसान हो गया है रैपिड रेल आने से। और यहाँ जो कॉलोनी है उसको भी बहुत बेनिफिट हुआ है यहाँ पर। और ये देखिए जहाँ से जहाँ पर लग गया है और सुनते हैं, ये मेट्रो स्टेशन पुल है। ये देख रहे हैं आप मेरी साइड, ये है हिल्टन, ये हॉलीडे इन है और इसको करीब 20 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। और ये फेमस है यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर स्टैंड अपार्टमेंट आता है। और ये आप सामने देखेंगे मेट्रो स्टेशन, और इसके बाद ईस्ट पॉइंट, ईस्ट एक्सटेंशन आता है, ईस्ट एंड एक्सटेंशन मेट्रो स्टेशन अपार्टमेंट, समाचार अपार्टमेंट्स के नाम से यहाँ पर एक्सटेंशन है। और ये देखिए आप इसकी राइट साइड जाएंगे तो ये अक्षरधाम की तरफ है, और अगर हम लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे तो ये हाईवे की तरफ जा रहा है, एक्सप्रेस वे की तरफ। और अक्षरधाम को आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छा बन गया है यहाँ पर हाईवे, क्योंकि यहाँ पर सरकार ने अच्छा काम किया है और रास्ता भी काफ़ी अच्छा हो गया है, सड़कें भी काफ़ी अच्छी बनी हुई है, तो इसीलिए वहाँ पर आना बहुत आसान हो गया है। और आपको बता दूँ कि यहाँ के जो एक हाईवे निकल रहा है वह सीधा देहरादून के लिए नॉन स्टॉप जा रहा है। अभी वो तैयारी पे है और उम्मीद करता हूँ कि अगले साल 2025 में वह स्टार्ट हो जाएगा। और ये नॉन स्टॉप रास्ता जा रहा है जो कि सीधा देहरादून को जाएगा, और जो देहरादून जाने में आपको 5-6 घंटे लगते थे या उससे ज़्यादा टाइम लगता था, आप 3-4 घंटे में इस हाईवे से नॉन स्टॉप सीधा देहरादून के लिए आप जा सकते हैं। बहुत अच्छा और सुंदर हाईवे बना हुआ है, और हमारी ये लाइट ग्रीन हो गई है, और हम बढ़ते हैं अक्षरधाम की तरफ और आपको दोनों तरफ का नज़ारा दिखाएँगे। जो कि फ्लाईओवर बना है यहाँ पर, बहुत अच्छा फ्लाईओवर बना है, ये देखिए। और हमारी स्पीड इस समय है 30-40 की स्पीड चल रही है, जो कि हम स्लो मोशन में चल रहे हैं 30-40 में, तो वीडियो थोड़ा सा क्लियरिटी आएगी इसमें, तो इसलिए हम यहाँ पर जा रहे हैं। क्योंकि अगर स्पीड में जाएंगे तो जो वीडियो है वो आपको जल्दी जल्दी देखने को मिलेगी, तो इसलिए स्लो मोशन में 30-40 की स्पीड में हमारी टू व्हीलर स्कूटी चल रही है। और ये देखिए इस समय 1:45 हो रहा है, और ये सामने देखेंगे, हमारे राइट साइड देखेंगे तो आपको मईबार फेस 1 है और अपार्टमेंट्स है यहाँ पर मईबार फेस 1। और हमारी आप लेफ्ट साइड को जाएंगे तो आप देखेंगे कि खेत खलिहान है साइड में, खेत खलिहान है सारे। और सामने देखेंगे तो ये सीधा रोड जो फ्लाईओवर ये बना हुआ है ये जा रहा है अक्षरधाम को। आप ये सामने देखिए, अगर आप अक्षरधाम से लेफ्ट साइड जाएंगे
आपने बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पर आ जाएगी और इसे कहते हैं पांडव नगर। इससे आगे जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा शक्करपुर और इसके बाद मदर डेयरी, क्योंकि दिल्ली की मदर डेयरी यहाँ पर मदर डेयरी के नाम से फेमस है। यहाँ की सब जगह के लिए दूध सप्लाई जाती है। अक्षरधाम अच्छा लग रहा है, धूप की किरणें बहुत अच्छी लग रही है। अक्षरधाम मंदिर और ये जो हमारा सीधा अब हम जाएंगे फ्लाईओवर की तरफ को, जो भी ये जा रहा है सीधा अक्षरधाम को। अक्षरधाम से होते हुए खेल गाँव आप लेफ्ट साइड पर देखेंगे और ये जो फ्लाईओवर जा रहा है, एक फ्लाईओवर ये जाएगा लक्ष्मी नगर की तरफ को। हम नीचे की तरफ को जाएंगे अगर तो ये जाएगा गणेश नगर, पांडव नगर और मदर डेयरी की तरफ को। तो हमें फ्लाईओवर की तरफ जाना है और ये देखेंगे कि नया फ्लाईओवर बना है। ये हम अभी पुराने फ्लाईओवर की तरफ को ही जा रहे हैं। ये नया फ्लाईओवर बना है और ये स्टार्ट हो गया। और ये जो आप कॉलोनी देख रहे हैं हमारे राइट साइड में, ये है पांडव नगर। पांडा नगर सिर्फ 200 मीटर में ही अक्षरधाम के सामने ही है और ये कॉलोनी लगभग 50-60 साल पुरानी है। और यहाँ पर मेरे बहुत सारे दोस्त रहते हैं जो कि मेरे साथ स्कूल टाइम में मेरे साथ पढ़े थे। तो दोस्तों ये जो रास्ता जा रहा है ये सहारनपुर के लिए 189 किलोमीटर यहाँ से सहारनपुर है। और यहाँ से हम अगर लेफ्ट साइड को जाएंगे तो हम जाएंगे लक्ष्मी नगर की तरफ को, यहाँ की बहुत फेमस गणेश कचौड़ी वाले फेमस यहाँ पर कचौड़ी वाले हैं, जो कि काफ़ी सालों से हैं, लगभग 40-50 साल हो गए उनको।
गणेश कचौड़ी के नाम से बहुत फेमस यहाँ पर है और बहुत ही अच्छा उनका रेपो है। उनको करीब 5 में से 4 स्टार मिले हैं जोमेटो और स्विगी की तरफ से। और हमें जाना है लेफ्ट साइड को और ये रास्ता जा रहा है गीता कॉलोनी की तरफ और ये रास्ता सीधा जाएगा जो फ्लाईओवर बना है देहरादून के लिए, वहाँ तक जाएगा ये रास्ता। और यहाँ से आगे आप उनका सीधा जाएंगे, हमें जाना है लेफ्ट साइड और ये रास्ता जाता है लक्ष्मी नगर और आनंद विहार के लिए। और जो सीधा रास्ता जा रहा है वह जा रहा है गांधीनगर और शास्त्री पार्क के लिए। और ये जो फ्लाईओवर बन रहा है देहरादून के लिए वो इसी रास्ते में आएगा आपको। और नॉन स्टॉप यह है और 3 से 4 घंटे में आप देहरादून पहुंच सकते हैं, लेकिन इसमें 2-व्हीलर नहीं जा सकते, रिस्ट्रिक्शन है 2-व्हीलर्स के लिए, सिर्फ इसमें 4-व्हीलर ही जा सकते हैं जो ये फ्लाईओवर बना है देहरादून के लिए। तो हम आ गए हैं यहाँ पर लक्ष्मी नगर की तरफ को। आप हमारे राइट साइड देखेंगे तो राइट साइड में जो रास्ता जा रहा है वह जा रहा है आईटीओ की तरफ को, दिल्ली सेक्रेटरीट की तरफ को। और हमारे लेफ्ट साइड को जो रास्ता जाएगा ये जाएगा आपको सीधा शास्त्री पार्क। और हम जा रहे हैं सीधा लक्ष्मी नगर की तरफ को। लक्ष्मी नगर सीधा है और उसके आगे आपको सीधा आनंद विहार के लिए ये रास्ता जाएगा। ये देखिए अच्छा नज़ारा है यहाँ पर, बहुत खूबसूरत। आप कमेंट में यह भी बताएं दोस्तों, और जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं करीब 364 मेरे सब्सक्राइबर हैं, वह तो लगता है कि एक दिन में ही हो जानी चाहिए, पर मैं इतने सालों से मेहनत कर रहा हूँ पर 364 ही सब्सक्राइबर है जो कि कुल मिला के एक दिन में ही हो सकते हैं, 364 तो कुछ भी नहीं है। अरे हमारे व्यूवर्स पूछते हैं कि आपके सब्सक्राइबर कितने, तो शर्म सी आ जाती है यार, 364 ही है। आप सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून। अभी बज रहे हैं 1:30 और ये है नज़ारा मेट्रो स्टेशन का। इस समय इतनी भीड़ भाड़ है यहाँ पर क्योंकि दिन का टाइम है, दोपहर का टाइम, और आज है संडे। संडे के दिन हम आपको व्यू दिखाने के लिए अब जा रहे हैं यहाँ से अक्षरधाम। तो चलो चलते हैं अक्षरधाम। देखिए गाइस, ये आपको रैपिड रेल बन गई है हमारी साइड में, राइट साइड में रैपिड रेल बन गई है जो काफ़ी दूर तक जा रही है, मेरठ से भी आगे है रैपिड रेल है। और सफ़र बहुत आसान हो गया है रैपिड रेल आने से, और यहाँ जो कॉलोनी है उसको भी बहुत बेनिफिट हुआ है यहाँ पर। और ये देखिए जहाँ से यहाँ पर लग गया है, हम घूमते हैं, ये मेट्रो स्टेशन पुल है। तो दोस्तों ये देखिए हमारी लेफ्ट साइड में ये है गणेश कचौड़ी वाला, को पार करेंगे और आपको रिव्यू बताएंगे कि कैसा यहाँ का टेस्ट। हेलो गाइस, तो अभी हमने गणेश कचौड़ी वाले से एक प्लेट छोले भटूरे और कचौड़ी और 2 समोसे खाए, काफ़ी अच्छा स्वाद था। अगर ऑनलाइन से तो काफ़ी अच्छा था, अगर आपको खाने हैं लक्ष्मी नगर में तो ये बेस्ट प्लेस है, पेट भी भर जाता है। चलो तो गाइस हम आ गए हैं शकरपुर की तरफ को और गणेश कचौड़ी वाले से हमने कचौड़ी, समोसे और छोले भटूरे तीनों ही टेस्ट किए और इसका टेस्ट जो है सुपर है और हम इसको 4 स्टार देते हैं। पे चढ़ गए और ये जो फ्लाईओवर है ये आ रहा है मदर डेयरी की तरफ को।
रास्ते से मदर डेयरी और ये रास्ता जाएगा वाया विनोद नगर और ये जाएगा आनंद विहार की तरफ को और सामने मदर डेयरी आएगी। तो हम देखते हैं कि कौन से मोड़ की तरफ हम जाने वाले हैं। बहुत ही अच्छा रहा यहाँ का और ये देखिए ये मदर डेयरी का जा रहा है टेम्पो है, इसमें जो मदर डेयरी का दूध है वह सप्लाई होता है सुबह शाम। और अभी बज रहे हैं 2:30 और हमने जो गणेश कचौड़ी में सबसे पहले लिया, हमने लिया समोसे, जो कि समोसे तो ठंडे थे पर सब्जी गर्म थी, तो उस पर हम इसको पॉइंट्स कम देंगे। पर कचौड़ी और सब्जी वो दोनों ही गर्म थी। और सबसे बेस्ट इसमें रहे छोले भटूरे, क्योंकि छोले भटूरे यहाँ पर आपको 125 रुपये प्लेट मिल जाएगा, जो कि सफिशियंट है और एक छने के लिए और उसका पेट भर जाएगा इसमें, और अच्छा स्वाद है सबसे बेस्ट। तो गाइस इस समय चला रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं पंडित शिवाय और इनका ट्यूशन है करीब 4 का और अभी बज रहे हैं 3:15 और मैं बैठा हूँ पंडित शिवाय के पीछे। और पंडित शिवाय ड्राइविंग कर रहे हैं और ये नज़ारा इस समय 3:15 का है। आज संडे है तो भीड़ भाड़ नहीं है आज, और अगर वर्किंग डे होता तो यहाँ पर भीड़ भाड़ काफ़ी रहती है। ये देखिए और ये कंपनीज है, यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है सारा। ये देखिए सारा इंडस्ट्रियल एरिया है, आज खाली है सब, आपको खाली लग रहा होगा सब। देखिए सड़कें भी खाली है क्योंकि आज छुट्टी का दिन है। पंडित शिवाय इस समय ड्राइविंग कर रहे हैं और इनके सामने आप देखेंगे बिल्कुल तो एंजल्स पब्लिक स्कूल है, वह शिवाय का स्कूल है। और ये अपने पार्क की तरफ जा रहे हैं, यहाँ आपको पार्क बहुत सारे मिल जाएंगे। ये देखिए अभी इनको कोई टेंशन नहीं है पंडित शिवाय को। और ये देखिए ये साइड लेफ्ट साइड में देखेंगे आप हमारे, और ये पार्क छोटा सा पार्क है और इसके आगे भी एक पार्क है क्योंकि खेलने के लिए, और ये इंडस्ट्रियल एरिया में आ गए हम। ये देखिए ये सारा इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर आपको देखिए ये पार्क आ गया है, ये थोड़ा बड़ा पार्क है, यहाँ पर भी हम क्रिकेट खेलने आए थे। इस पार्क में हमने क्रिकेट खेला था यहाँ पर। डॉगी था यहाँ पर और डॉगी कुछ पता नहीं है कि वो कब पीछे पड़ जाए, क्योंकि अननोन जो लोग होते हैं उनके पीछे डॉगीज पड़ सकते हैं, ऐसे में सावधान रहने की ज़रूरत है। और जहाँ भी देखेंगे आपको सुनसान ही लगेगा, और ऐसी जब खाली जगह मिले तो यहाँ पर ब्लॉगिंग का अलग ही मज़ा है। भीड़ भाड़ में कुछ समझ में नहीं आता, कोई भी रॉन्ग साइड से आ जाता है। ये देखिए चाय की दुकान यहाँ पर अंकल जी की, बहुत ही छोटी दुकान है। यहाँ पर लोग आज संडे अपना एंजॉय कर रहे हैं। और ये देखिए आगे
रोड क्रॉस कर लिए है, हम आ गए मेन रोड की तरफ को, और यहाँ साइकिल भी बहुत लोग साइकिल से भी अपने ऑफिस ड्यूटी करते हैं, क्योंकि अगर आप एक मिनट भी लेट हुए तो आपकी सैलरी जो है कट जाती है, ऐसा रूल है यहाँ पर कंपनीज़ में, तो ध्यान रखना पड़ता है कि समय पे पहुँचे। अगर हम एक मिनट या पाँच मिनट भी अगर लेट हो गए तो सैलरी हमारी कट जाती है। ये देखिए मेन रोड पे सब खाली है, और ये सामने से बस आ रही है, और ये किसी कंपनीज़ की बस है, टूरिस्ट बस है, लेकिन कंपनीज़ की लग रही है। तो आज छुट्टी है संडे की, तो बस भी खाली है। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा इस समय नज़ारा है, इस समय 3:30 बज गए हैं, और पंडित शिवाय उनका ट्यूशन का टाइम हो चुका है, तो अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। गाइस अब हम जा रहे हैं खांडवन की तरफ, करते हैं व्लॉगिंग को, थोड़ा आपको पार्क का व्यू दिखाते हैं खांडवन का। तो अभी हमारे पास 15 मिनट और हैं, तो 15 मिनट में हम आपको दिखाएंगे कि सेक्टर 1, आज है संडे बाज़ार, यहाँ पर मार्केट लगेगी आज संडे मार्केट, और शाम को देखेंगे कि आप मार्केट में काफ़ी भीड़ भाड़ होगी, और मदरसन सूमी और यहाँ पर रॉन मोटर आपको दिखाते हैं। ये देखिए मार्केट लगने की तैयारी हो गई है, और ये आप देखेंगे ये है रोहन मोटर, जो कि मारुति का शोरूम और यहाँ पर सर्विस होती है कार्स की, मारुतीज की। और ये हमारे जो देखेंगे साथ में ये है मदरसन सूमी, और ये 24/7 चलती है, आज संडे है तो आज ऑफ है यहाँ पर वर्कर्स का, और ये तैयारी हो गई है। आप देखेंगे मार्केट लगने की तैयारी हो गई है संडे बाज़ार, क्योंकि तो सर्दियों में दिन काफ़ी छोटे हैं, तो यहाँ पर अभी 3:30 बज गए हैं और मार्केट लग रही है यहाँ पर। ये देखिए तैयारी कर रहे हैं सभी लोग, और अभी आ गए हैं खांडव वन की तरफ, जो कि यहाँ पर पार्क है, ये है GSTL कंपनी, और यहाँ पर प्राइवेट कंपनी गवर्नमेंट कंपनी काफ़ी हैं, पब्लिक सेक्टर, ये है एक्सिस बैंक सेक्टर 1 का, और ये आप देखेंगे सेक्टर 1 की तरफ आ गए हैं हम, और हमारी लेफ्ट साइड में CA का ऑफिस भी है, जहाँ पर चार्टेड अकाउंटेंट के लिए तैयारी करते हैं, पहले ये इंस्टीट्यूट था बट ये अब ट्रांसफ़र हो गया दिल्ली में। और ये है इरकॉन का ऑफिस रेलवेज का, ये देखेंगे, और ये है, आपने हमारे वीडियोस में देखा होगा यहाँ का लोकेशन, ये पार्क है, ये है खांडव वन पार्क, यहाँ पर बेसमेंट पे आप अपनी कार को पार्क कर सकते हैं, और ये पार्किंग 3 फ्लोर की से ज़्यादा की है, लगभग 4 फ्लोर की है, यहाँ पर संडे में आज लोग वॉक के लिए आए हैं। और ये देखिए हमारे पीछे आप देखेंगे ये है गेल, और हमने अपनी स्कूटी लगाई है यहाँ पर, इस पार्क में धूप देखते हैं आराम, और थोड़ा सा पार्क का नज़ारा लेते हैं। ये हमारे साथ स्कूटी को पार्क पे लगा दिया है, और ये है गेल, हमने यहाँ पर पार्किंग पे अपनी स्कूटी लगा दी है, और ये है यहाँ पर नज़ारा इस समय, और ये देखेंगे रियल एस्टेट की कंपनीज है, कॉल सेंटर्स, यहाँ पर वैकेंसीज आपको इजीली मिल जाएगी न्यू कमर्स की, जो बच्चे कॉलेज या प्राइवेट कोचिंग करते हैं उनके लिए यहाँ पर जॉब आसानी से मिल जाएगी। और चलते हैं पार्क की तरफ, ये आ रहा है हमारा पार्क,
ही भूमिगत पार्क है और ये करीब 3-4 फ्लोर का बना हुआ है। इसमें आप गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। और ये है गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जितने भी इंडिया में ऑफिसेज हैं सब यहाँ पर आ गए हैं। और ये बहुत बड़ा गेल का ऑफिस है। और ये देखिए, और यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं। ये पार्क है हमारा। हमारे साथ है पंडित शिवाय, और पंडित शिवाय वीडियोग्राफी कर रहे हैं। और इनसे पूछते हैं, कैसा लगा जी आपको बताइए। शिवाय सर, कैसा लगा आपको हमारे साथ ब्लॉगिंग में? रिव्यू बताए, कितना रिव्यू है? 5 में से कितने स्टार देते हैं आप बताइए? बताइए कितने स्टार दे रहे हैं? 5 स्टार इन्होंने दिए हैं। 5 में से 5 स्टार। मेरे को लगता है इनको काफ़ी अच्छा पसंद आया है और आज इनको खूब इंजॉय किया है इन्होंने स्कूटी में व्लॉगिंग करते हुए। क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो व्लॉगिंग तो पीछे बैठ के ही हो सकती है, वीडियोग्राफी भी। और ये देखिए छिड़काव हो रहा है यहाँ पर, पानी का छिड़काव जगह जगह हो रहा है फॉगिंग की वजह से, कि फॉगिंग ना हो। ये देखिए बहुत ही अच्छा। और अभी हम करीब 2 किलोमीटर दूर है अपने रेजिडेंस से, और हम जाएंगे तो यहाँ से अगर हम लेफ्ट साइड को जाएंगे तो हम जाएंगे यहाँ पर वसुंधरा एनक्लेव की तरफ, और यहाँ से अगर हम राइट जाएंगे तो यहाँ से रास्ता जाता है विनोद नगर की तरफ। तो गाइस, आपको कैसा लगा हमारी आज की व्लॉगिंग, और आपने एंजॉय किया कि नहीं किया ये ज़रूर बताएं। और मैंने आपसे कहा था ना दोस्तों कि मेरे 364 सब्सक्राइबर हैं, 364 सब्सक्राइबर में मुझे लगता है कि एक दिन में ही हो जाने चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, आप अपने भाई को सपोर्ट करना चाहते हैं, अपने लक्की भाई को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और हमारे YouTube चैनल को आगे मोटिवेट करें, और जिससे कि हम आपको अपनी जहां भी हमारी ट्रिप और जर्नी होगी और दोस्तों के साथ हमारे जो भी जर्नी होगी आपको दिखाएंगे। क्योंकि हमें भी जब भी मोटिवेशन मिलता है, जब आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं हमारी वीडियोस को अपनी ब्लॉगिंग से दिखा रहे हैं शेयर डैडी यूट्यूब चैनल पर, 2 दिन सैटरडे संडे आपको ऐसे ही ब्लॉगिंग दिखाते रहेंगे हम, और पूरा एक्सप्लोर करेंगे इंडिया को। अभी हमारी प्लानिंग काफ़ी आगे तक है और हमारा जो रूटीन है, टाइम टेबल काफ़ी आगे तक है, और 2025 में बहुत अच्छे नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल शेयर डैडी में, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन ऑल को प्रेस करें। हमारी जितने शॉर्ट्स और वीडियो हैं आपको देखने को मिलेगी। गाइस, अभी टाइम है 3:45 और रिव्यू देखिए, संडे 3:45 है, बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, फिजिकली वर्कआउट कर रहे हैं किसी भी तरीके से, चाहे वे वॉकिंग से, चाहे बैडमिंटन से खेल कर, गेम्स खेल कर, और यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहे हैं सभी लोग। संडे एंजॉय कर रहे हैं, आज छुट्टी का दिन है तो थोड़ा सा टाइम। और ये ग्रीनरी है यहाँ की देखिए, और ये आप मेरे राइट साइड देखेंगे, ये गेल है, और सामने है क्रिप्को, मेरे सामने देख रहे होंगे क्रिप्को, ये गेल। और ये यहाँ की ग्रीनरी, देख सकते हैं ग्रीनरी काफ़ी अच्छी है।
और ये बहुत पुराना पेड़ देखेंगे आप, और इस जो ग्राउंड को करीब 40 साल हो गए, 40 साल पहले यह बहुत इतना डेवलप नहीं था, उसके बाद यहाँ पर नोएडा अथॉरिटी ने इस पार्क को लिया और डेवलपमेंट किया है। ये देखिए, देख सकते हैं, सब अपने तरीके से एंजॉय कर रहे हैं संडे। ये सारी कंपनीज, कॉल सेंटर, रियल इस्टेट का आप सामने देखेंगे। ये नया ऑफिस बना है और इसमें करीब 5000 एम्प्लॉयज़ हैं इस कंपनी में, बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं। यहाँ से स्टार्ट होती है और लास्ट मेन रोड तक ये कंपनीज़ है, ये कॉल सेंटर्स हैं सारे। और ये इरकॉन का ऑफिस है, इरकॉन रेलवे, गवर्नमेंट रेलवेज़ का पार्ट है ये इरकॉन। तो अपने ब्लॉग में आपको अच्छे व्यू दिखाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूट्यूब चैनल से योर डैडी। ये देखिए, ये खांडा वन की पार्किंग है और ये 4 फ्लोर नीचे है, और ये नज़ारा है यहाँ का, यहाँ से एंट्रेंस है। ये देखिए, ये एंट्रेंस मेन रोड का। गाइस, संडे का वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताएं, और आज का दिन एंजॉय किया कि नहीं किया ये भी हमारे साथ कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और सीयर डैडी को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपसे विनती है कि सीयर डैडी चैनल है, 364 सब्सक्राइबर हैं, आप अपने लक्की भाई को सपोर्ट करें, मोटिवेट करें, और मैं आपको और अच्छी वीडियो और इंडिया का टूर और टूरिज्म के आपको जगह जगह के व्यू दिखाऊंगा। और 2025 में हमारा जो ग्रुप है वह बढ़ने वाला है, तो इसमें और भी दोस्त हमारे साथ आने वाले हैं, और इनकी यहाँ पर हमें आए सुझाव आए हैं कि हमें भी भाई साथ ले चलो, तो हमारा ग्रुप बढ़ेगा। तो अगर आप भी हमारे साथ ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करें, हमारे सीयर डैडी चैनल में आप कमेंट करके भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अपने लक्की भाई को आप सपोर्ट करें, और सीयर डैडी चैनल जो यूट्यूब चैनल है उसको सपोर्ट और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन ऑन को प्रेस करें। ये देखिए, इस समय हम 3:30 बज रहे हैं,